तो और भाई लोग क्या बोलते हैं अपनी पबजी सेना। हेलो दोस्तों, मैं हूं उपवन देशमुख और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्रिएट उपवन लाइव। सो गाइस, इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं हमारा जो अपडेट आने वाला है 0.72.0 का अपडेट, उसका बीटा हमने फिर से अपडेट कर लिया है क्योंकि हमको इन गेम के अंदर 1.5 GB का अपडेट आया था गाइस। तो मतलब इसके अंदर सब कुछ लीक्स आपको मतलब देखने को मिल जाएगी और इस अपडेट में और इन्होंने कुछ नया ऐड किया है, तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइस सबसे पहले तो बात करता हूँ यार, मेरा वीडियो अभी थोड़ा और 2-4 दिनों तक तो लेट आ सकता है क्योंकि मैं गांव आया हूँ, शादी का माहौल है, तो इसलिए यार वीडियो डालने के लिए टाइम नहीं मिलता। तो चलो गाइस, फिर भी ट्राई करूँगा आपको अपडेट देने का। और उसी के साथ हमारा जो गिव अवे बचा था, मंडे को रिजल्ट निकालने वाला था, वो निकाल नहीं पाया क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था। तो चलो गाइस, इस वीडियो में पहले तो रिजल्ट निकाल लेते हैं और उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है, मतलब न्यू क्या आने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइज, रॉयल पास हमारा एंड हो चुका है। वीक 8 का W8 लिखा है मैंने, वीक 8 का हमारा बाकी था क्योंकि वो मेरा हुआ नहीं, आप सभी को बता दिया मैंने स्टार्टिंग में ही कि मैं गाँव आया हूँ, शादी का माहौल है। तो चलो यहाँ पर देख सकते हैं एंड 1 डे आगो, तो इसका विनर निकालने का बाकी है। मुझे बहुत जनों का कमेंट आया, सॉरी गाइज थोड़ा लेट हो चुका है, गाँव की तरफ साला रेंज ही नहीं रहता है जीवो को। तो देख सकते हैं हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं भाई और इसको मेल कर देते हैं, और एक दिन के अंदर 24 आवर्स के अंदर भाई ने रिप्लाई दिया तो ही उसको मिलेगा यार, पहले भी बताता हूँ, नहीं तो फिर हम दूसरा रॉयल पास ड्रॉ कर लेते हैं गाइज, आप सभी को पता ही है। तो चलो यहाँ पर देखते भाई कौन विनर निकलता है। तो चलो गाइस, यहाँ पर विनर है हमारे प्रिंस चंदन शिवे भाई, ओ कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो, और मुंबई के रहने वाले। तो गाइस इसको बता देना ताकि ये जल्दी से जल्दी हमको, इसका नाम तो रोहित है, ओके तो मैं वैसे मेल कर रहा हूँ, अगर आपका फ्रेंड है तो यार उसको बता देना ताकि वो 24 आवर्स के अंदर हमको रिप्लाई करे, नहीं तो फिर यार इसका नाम निकल जाता है। जैसे कि अभी हम यहाँ पर वैसे एक्सपायर इन 1 डे का टाइम तो सेव कर ही लेते। तो विनर ऑफ रॉयल पास, ओके रॉयल पास, और उसके बाद इसको बोल देंगे भाई सेंड यूर पबजी आईडी। ओके गाइज, इसको हम कर देते हैं सेंड और इसको मेल सेंड हो चुका है, और जल्दी से इसका रिप्लाई आता है तो कल ही हम इसको रॉयल पास के यूसी सेंड कर देंगे। और कमेंट पिकर के लिए अपनी पबजी आईडी जरूर कमेंट करो। तो सबसे पहले तो गाइज यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ क्लासिक में, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू इवेंट नाम से एक रैंकड अरीना नाम का एक ऑप्शन आया है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं अरीना पेवल और रैंकड वाला जो ऑप्शन है, तो ये इसके ऊपर मार्क लगता है, मतलब ये एक ही कैटेगरी के है जैसे कि, बट इसके अंदर रैंकड अरीना ये अलग ऑप्शन है गाइज। इसके अंदर आपको देखने को तो सेम टू सेम दिखेगा, मतलब टीम डेथ मैच, असॉल्ट वाला एक मैच आपका TDM देखने को मिल जाएगा, और डोमिनेशन मोड भी आपको सेम देखने को मिल जाएगा रैंक अरीना में, और खाली अरीना के अंदर भी आपको ये 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। बट इनके अंदर डिफरेंस क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि हम क्लासिक मैचेस खेलते तो वहाँ पर आप सभी को पता ही है कि सीजन 11 का जैसे भी रैंक रिवॉर्ड बोलते हैं हम, तो उसी तरह का हमको TDM का भी रैंक रिवॉर्ड हमको देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर हमको ये आउटफिट देखने को मिलता है, उसका मास्क देखने को मिलता है, उसी के साथ MK14 पैराशूट, तो ये हमारे क्या है रैंक रिवॉर्ड है, तो उसी तरह का आपको वहाँ पर भी देखने को मिलने वाला है। तो चलो मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि आपने इसके ऊपर क्लिक किया, अगर आपको ये डाउनलोड करना है तो वैसे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, बट मैं ये बोलूँगा कि भाई जिनके पास वाईफाई अनलिमिटेड वाला वही बंदे बीटा वर्जन को डाउनलोड किया करो, ताकि नहीं तो फिर आपका जियो पूरा का पूरा एक दिन का जाएगा। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो डोमिनेशन मोड और ये 3 ही दिया है, और यहाँ पर देख सकते हैं लोड आउट और रिवॉर्ड्स का ऑप्शन है राइट साइड में, देख सकते हो गाइज लोड आउट का एक ऑप्शन है जहाँ पर आप अपनी गन सेलेक्ट कर सकते हैं, ये तो सभी को पता ही है, और उसी के साइड में एक रिवॉर्ड का ऑप्शन है। तो रिवॉर्ड्स के ऊपर हम क्लिक करते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर आपका सब कुछ हिस्ट्री आ जाएगा, जैसे हमारा क्लासिक का आता है स्टैटिस्टिक में अगर हम जाते हैं तो इस तरह से, या करियर रिजल्ट में जैसे भी, मतलब देख सकते हो गाइज इस तरह से टायर रिवॉर्ड रिव्यू, ये सब कुछ बीटा वर्जन का है, उसी तरह का आपको TDM का भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा रिवॉर्ड्स के अंदर। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, सबसे पहले तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है जैसे उधर रहता है हमने कितने मैचेस खेला है स्टैटिस्टिक्स में, कितने जीते हैं, विन रेशियो, KD रेशियो, तो सेम टू सेम TDM में भी होने वाला है। और यहाँ पर देख सकते हो गाइस राइट साइड में यहाँ पर रिवॉर्ड्स का ऑप्शन है, तो गोल्ड टायर पर अगर जाते हो तो आपको मिलेगा एक क्लासिक क्रेट का कूपन, जो कि अच्छा है भाई, और अगर आप डायमंड टायर पे पहुंचते हो तो आपको एक हेड गियर नाम मिलने वाला है, जो कि यहाँ पर ग्राफिक्स दिखाई नहीं हो रहा है क्योंकि ये बीटा वर्जन है, छुपा के रखते हैं साले पबजी वाले। और यहाँ पर देख सकते हैं इसका नाम भी आप पढ़ सकते हैं, ग्रोटेस्कू घोल हेड गियर नाम का होगा, मास्क होगा या कोई पहनने का एक टोपी टाइप का कुछ होगा। और उसी के साथ सीजन रिवॉर्ड का ऑप्शन भी है, जैसे हमारा भी रहता है टायर रिवॉर्ड अलग रहते हो, और यहाँ पर सीजन रिवॉर्ड का एक ऑप्शन है, अगर आप
उस सर्वर में, जैसे एशिया सर्वर है, अगर आप टॉप 1000 के अंदर आते, जैसे कॉन्करर का आपको टाइटल मिलता है, उसी तरह का यहाँ पर देख सकते हैं एरिना मास्टर नाम से एक आपको मेरे ख्याल से टाइटल ही होगा, तो ये टाइटल आपको मिलने के चांसेस है। तो देख सकते हो गाइस, अभी आपको टॉप 1000 में, अगर सीजन एंड होने से पहले अगर आप रहते हो रैंक इन टॉप 1000 इन एंड ऑफ द इवेंट, मतलब सीजन बोले तो वही एंड ऑफ द इवेंट तक अगर आप रहते हो, तो भाई आपको ये अरेना मास्टर मिलने का चांसेस है। अभी देख सकते हैं कि भाई इन्होंने टाइमिंग दिया है इवेंट का, तो मैं बताता हूँ। यहाँ पर राइट लेफ्ट साइड में देख सकते हो आप 2024-21, मतलब ये 21 तारीख से चालू होगा मार्च मंथ भाई 4/21, मतलब भाई अगले महीने से, मतलब अगले सीजन से स्टार्ट होने वाला है। सीजन 12 में आपको ये देखने को मिल जाएगा, और ये भी हमारे सीजन के जैसा ही है, डेट इसका आगे पीछे होता रहेगा। और देख सकते हैं 2025-5 को आपका ये एंड होने वाला है। तो वाह सही है भाई। ओ भाई अप्रैल में शुरुआत होगी और मई में एंड होगा, तो इसका भी टाइम लिमिटेड है। और ये सब कुछ कैसा रहता है गाइस, हर सीज़न में आपको ये देखने को मिलने वाला है, तो इसलिए टेंशन नहीं। और रिवॉर्ड्स भी हर सीज़न के अलग अलग होंगे, जैसे एंड होता है फिर से नया चालू होगा इसका इवेंट, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर रूल्स में पढ़ा जाए तो दो टाइप के यहाँ पर अरेना टायर रिवॉर्ड, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, रीचिंग अ टायर, और दूसरा है कि आप टॉप 1000 में आते हो तो। बट फिर भी हम पढ़ लेते हैं कि व्हेन रैंक का अरेना एंड्स, प्लेयर विल बी रिवार्डेड बेस्ड ऑन देयर टायर अचीव, रिवार्ड्स विल बी इश्यूड इन 3 आवर्स आफ्टर द रिजल्ट आर टेलाइड। ओके, तो गाइज जैसे ही आपको मतलब अचीव कर लेते हो जो भी है आपका अचीवमेंट, जैसे डायमंड या कोई भी टायर पर जाते हो, तो उसके 3 घंटे बाद ही आपको ये रिवार्ड मिलेगा, ऐसा इनका कहना है। तो भाई अच्छी बात है गाइज। तो ये कुछ नया अपडेट था यार, जो कि मुझे लगा बताना चाहिए, और गिवे तो हमारा चालू रहेगा। और गाइज अभी जल्दी से जल्दी अपनी प्लेयर आईडी कमेंट किया करो, क्योंकि हमारे 150 के कंप्लीट हो चुके हैं, और मैं डेली यूसी गिवे जो कि हमारा रहता है करीब करीब 60-70 यूसी का, वो मैं कमेंट पिकर से चालू करने वाला हूँ, क्योंकि हमारा सेकंड चैनल अभी तक एक्टिव नहीं है, क्योंकि यार थोड़ा इंटरनेट का इशू है इसलिए। तो इसी चैनल के वीडियो में से मैं डेली का कमेंट पिकर से उठाऊंगा, जैसे भी वीडियो आता है तो आपको मिल जाएगा अपना अपना यूसी गाइज, जो भी निकलता है विनर उसके लिए। और रॉयल पास का तो हमने इस वीडियो में निकाल ही दिया है। तब तक के लिए मिलते कुछ नया लेकर, टाटा बाय बाय।